तो गाइज ये था यहाँ का क्लासरूम का व्यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज काफ़ी दिन के बाद रमज़ान का महीना चल रहा है, जिसकी वजह से धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ लखनऊ के अंदर, और यूपी की गर्मी तो सबको मालूम है। तो गाइज आज काफ़ी दिन के बाद आज हम बाहर निकले हैं और शाम के बज रहे हैं, लगभग 5 बज रहे हैं। तो गाइज आज जा रहे हैं हम अपने कॉलेज वल, तो आज हम आपको अपना कॉलेज दिखाएंगे, जो कि इंडिया की इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी है, सबसे बड़ी भी है दारुल देवबंद के बाद। तो गाइज चलते हैं। मैं इस टाइम नदवा रोड पे हूँ, ये नदवा रोड है। अब यहाँ से 10 कदम पीछे जाओ तो लखनऊ यूनिवर्सिटी आती है, और फिर अगर इस साइड जाओ तो मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी भी 10 कदम पे है, और मेरा कॉलेज गाइज इस दीवार के अंदर है। तो हम मेन गेट से अंदर जाएंगे, तो वहीं से आपको गाइज दिखाते हैं। तो गाइज चलते हैं। तो गाइज ये है इसका मेन गेट है, यहाँ दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं गाइज, ये देख लो। तो गाइज यहाँ पे आप नाम भी देख सकते हैं, दारुल नदवतुल उलमा। तो अब हम यहाँ से अंदर चलेंगे गाइज। तो गाइज यहाँ पर गार्ड भी रहते हैं, तीन तीन चार चार गार्ड हैं, एक यहीं पर बैठा हुआ है, दो एक उधर है, दो तीन अंदर है। गाइज सबसे पहले यहाँ से दिखाते हैं, ये है यहाँ का क्लासरूम, जो कि बहुत बड़ा है, सीनियर क्लासेस का है। यहाँ पर घंटा भी लगा हुआ है, और यहाँ पर आप ये यहाँ से आप पढ़ सकते हो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले वो देखो, प्रिंसिपल ऑफिस है, ऑफिस तामीर मिल्लत है, निज़ामत ऑफिस है, और न्यू मेस, ओल्ड मेस, गेस्ट हाउस है, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश भी है, और दारुल क़ज़ा भी है यहाँ पर। और ये घंटी यहाँ की हो गई, और ये है यहाँ का क्लासरूम। इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफिस भी है, अंदर नहीं, इस साइड प्रिंसिपल ऑफिस वगैरह हर चीज़ है, और उसी के अंदर क्लासरूम भी है। ये पूरा बहुत पुरानी बिल्डिंग है, और इसका नक्शा भी बाहर से लिया गया, तुर्की से लिया गया है, उसी का स्ट्रक्चर पूरा उसी पे तैयार की गई है। तो अब हम यहाँ से चलते चलते अंदर की तरफ चलते हैं, और फिर दिखाते हैं गाइज आपको।
चलते हैं हम आगे वाली बिल्डिंग की तरफ। उसके बाद गाइस आती है ये बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का नाम बता दूं आपको, बिल्डिंग क्या, ये लाइब्रेरी है गाइस, अल्लामा शिबली नौमानी लाइब्रेरी। ये पूरी ऊपर तक किताबों से भरी पड़ी है। तो गाइस ये भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इसमें भी कैमरे लगे हुए हैं दोनों तरफ, आप देख सकते हो गाइस दोनों तरफ कैमरे हैं। अब गाइज वो सामने वाली जो बिल्डिंग है, यहाँ से हॉस्टल स्टार्ट होते हैं। जो इंडियन लड़के हैं वो इसी साइड रहते हैं। यहाँ फॉरनर्स वगैरह, फॉरनर्स की बिल्डिंग जो मैंने आपको दिखाई वो यहाँ पर थी, और ये लाइब्रेरी है और वो सामने हॉस्टल है। और उसके बाद हमें यहाँ पे मिलता है ग्राउंड खेलने के लिए गाइज, ये है गाइज। तो गाइज वो सामने आ जाती है इसकी मस्जिद, और वहाँ सामने उस साइड सामने आ जाता है महादुल कुरान आ जाता है, जहाँ जो छोटे लड़के हैं वो पढ़ते हैं, और उसके साथ में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश भी वहीं पर है। और ये मस्जिद है, और ये एक बड़ा ग्राउंड, और वो क्लासरूम। तो गाइज ये आ गई लाइब्रेरी, वो पीछे फॉरन वालों की बिल्डिंग। तो गाइज जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनका जो क्याम होता है, जो जो उनके जो हॉस्टल हैं वो इस साइड हैं गाइज, वो सामने की तरफ। तो ये पूरी एक गली है, उसमें खाली हॉस्टल ही हॉस्टल हैं, और हर हॉस्टल के साथ आपको कैंटीन भी मिलेगी, और हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी। यहाँ कपड़े धोने के लिए भी बाहर से धोबी आते हैं, और प्रेस करने के लिए दुकान हर हॉस्टल के साथ आपको मिलेगी। मतलब हर चीज़ आपको अंदर फैसिलिटी मिलेगी, आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ बाहर भी बहुत बड़ा मार्केट, पर बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ हर चीज़ मिल जाती है। तो मकसद खाली अंदर रहने का ये होता है कि बच्चे काफ़ी हद से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी किताबों के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें। यहाँ पर देखो मैं अपनी लाइब्रेरी के सामने खड़ा हूँ, तो लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ पर, और बहुत स्टूडेंट हैं यहाँ पर। अंडर ग्रेजुएट जो हैं 4000 स्टूडेंट हैं, और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो भी लगभग 1500-2000 वो भी स्टूडेंट हैं। तो गाइज और दुनिया के, मतलब मैं कहूँ तो इंडिया के तो हर कोने का स्टूडेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। बंगाल ले लो आप, नेपाल ले लो, और बिहार ले लो, और इधर से आप ले लो कश्मीर ले लो, लेह लद्दाख ले लो, पंजाब ले लो, दिल्ली ले लो, आसाम ले लो, मतलब हर कहीं का स्टूडेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, और खाली पढ़ने के लिए आते हैं। तो गाइस यहाँ पर मतलब ग्रेजुएशन के बाद आपकी अपनी चॉइस होती है आप क्या करें। तो जो बाहर से कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर अलग कोर्सेज मिलते हैं अगर उनको पढ़ना हो। तो एक वो स्टूडेंट होता है जो इब्तिदा से अपनी शुरुआत करता है, मतलब स्टार्टिंग से शुरू करता है। एक वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने पढ़ा है, 10+2 हैं, जिन्होंने जो कॉलेज की लाइन से आते हैं, तो उनके लिए भी अलग कोर्सेज मिलते हैं यहाँ पर। तो गाइस कोशिश करें, क्योंकि दीन वो चीज़ है, लोग काफ़ी सारे ये लोग सोचते हैं कि हम मौलवी के पास पढ़ लेंगे, हम अपने बच्चे को घर पर मौलवी बुला लेंगे तो वो पढ़ा देगा, तो उससे हमारा बच्चा दीन सीख लेगा। तो गाइस ये बहुत छोटी सी चीज़ है, और इससे कोई इल्म नहीं सीखा जाता, ये बस एक टेम्परेरी काम चलाने की चीज़ है। तो आपको दीन सीखने के लिए इन इदारों का सफ़र करना पड़ेगा, अपने बच्चों को यहाँ पर भेजना पड़ेगा। तो गाइस रमज़ान के बाद एडमिशनें होंगी, जिस जो भी ख्वाहिशमंद हजरात हों तो वो यहाँ का ज़रूर इसके बारे में पढ़ें। मैं इस यहाँ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।